जीएफसी पंचायत या फिर बना रंग रैलियों का अड्डा। तीन युवक युवतियों को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। मामला श्योपुर शहर के पाली रोड स्टेडियम के सामने स्थित टीएफसी पंचायत कैफे का है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैफे की तीन अलग अलग केबिन से युवक और युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में धर दबोचा है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की माने तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सूचना के बाद जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता टीएफसी कैफे के बेसमेंट में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं को कोई नहीं दिखाई दिया, मगर जैसे ही कैफे के बेसमेंट में बने केबिन के अंदर गए और वहां देखा तो आपत्तिजनक स्थिति में युवक युवती दिखाई दिए। वहीं कैफे संचालक से कैफे में अन्य केबिन होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कैफे में एक केबिन के अलावा और कई केबिन होने की बात नहीं कही। जहां कुछ समय बाद बेसमेंट पर बने किचन को खोलकर देखा गया तो उसके बगल में बने एक केबिन में भी एक युवती और युवक मिला, जिसके बाद बेसमेंट में केबिन की खोज की गई तो बेसमेंट में सीढ़ियों के पास बने केबिन में भी एक युवक युवती मिले। जहां तीन युवक और युवतियों के मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और युवतियों के परिजनों को कॉल कर मौके पर बुलाकर युवतियों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं तीनों युवकों को पुलिस ने थाने पहुंचा दिया है, जहां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए युवक जब थाने पर पहुंचे तो कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया। जहां हंगामे की सूचना के मिलने के बाद एसडीओ पिराजू रजक द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता वापस लौटे। वहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पुलिस उक्त मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा थाने के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्या मामला था और किस मामले को लेकर आप टीएफसी फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचे थे, क्या कार्रवाई की गई यहां पर? मामला ये था कि जानकारी लगी थी टीएफसी होटल में बच्चों को केबिन उपलब्ध कराए जाते हैं, वहाँ अश्लीलता होती है। तब यहाँ हम आए हमारी पूरी टीम के साथ, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, मंत्री, प्रांत संयोजिका, बजरंग दल का नगर संयोजक, सभी लोगों की टीम यहाँ आई। हमने देखा एक केबिन में एक लड़का और एक लड़की, इनकी उम्र भी 16-17 साल 18 साल की होगी, उनको हमने अश्लीलता करते हुए यहाँ पकड़ा। उसके बाद काफ़ी गहमागहमी हुई, पुलिस आई, और भी केबिनों की जब हम जांच कर रहे थे तो होटल मालिक द्वारा बताया गया कि इनमें कुछ भी नहीं है, ये सील्ड है पहले से। जब पुलिस के सामने उन केबिनों को तोड़ा गया तो उनमें भी दो कपल और मिले, शायद बच्चियों की उम्र नाबालिग है और बच्चे शायद बालिग हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसी कार्रवाई जो इन होटलों में हो रही है ऐसे सभी होटलों को चिन्हित कर सील्ड किया जाए ताकि शहर का माहौल वातावरण शुद्ध हो सके। आप लोग होटल पहुँचे थे, पुलिस भी पहुँची थी, क्या मामला था पूरा, फिर उसको लेकर यह क्या कार्रवाई चल रही है अभी तक? आज जो घटना घटित हुई है ये होटल टीएफसी करके यहाँ शहर में जो होटल है, कहने को तो बहुत छोटा सा होटल, मतलब होटल का नाम दिया हुआ है कैफे है, लेकिन उसमें जो मतलब जो कृत्य किया जा रहा था वो बहुत ही शर्मनाक था। जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को ये खबर लगी कि वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आपत्तिजनक स्थिति में हैं और आप लोग जाइए वहाँ पर, तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और मंत्री जी वहाँ पहुँचे, जब वहाँ पर और अन्य कार्यकर्ता ही पहुँचे तो वहाँ पर जो आई थी खबर वो खबर बिल्कुल सत्य पाई गई, और वहाँ पर सबसे पहले एक कपल वहाँ गलत अवस्था में पाए गए, और जब एक पाए गए तो हम लोगों ने वो होटल वालों को जाकर के भी कहा कि भाई ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, तो वो सीधा नकार गए कि नहीं ये तो बर्थडे मनाने आए थे और ऐसा था वैसा था ये करके उन्होंने नकार दिया। लेकिन इसके बाद जब हम लोग आधा पौन घंटे तक वहाँ रहे और वहाँ देखते रहे, पुलिस को वहाँ बुला लिया, उसके बाद वहाँ धीरे धीरे एक एक करके एक एक केबिन खोलते गए और एक एक केबिन के बाद वहाँ तीन लड़कियाँ तीन लड़के गलत अवस्था में पाए गए आपत्तिजनक स्थिति में, यानी कि शहर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट एसपी कार्यालय होने के बावजूद यहाँ पर इतना मतलब ऐसा कृत्य किया जा रहा है, वैश्यावृत्ति का खुलेआम मतलब वो धंधा चलाया जा रहा है और इस पर मतलब किसी की निगाह नहीं है प्रशासन की। इसको विश्व हिंदू परिषद ने उजागर किया है तो विश्व हिंदू परिषद यही मांग करता है और सुबह से इस पर लगा हुआ है कि कैफे संचालक के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और वो कैफे परमानेंट बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, और गोर मतलब कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। अभी इतनी रात को खड़े हैं, मामला शाम का है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी अभी तक, इसलिए हम लोगों को दोबारा यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। हम लोग एक बजे से लेकर के और अभी 8 बजने का टाइम हो गया, 8:30 बज गए हैं, जब तक जाकर के अभी तक हमको कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई कार्रवाई हुई, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन अभी एसडीओपी साहब के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि हमें एक दिन का समय दिया जाए, हमने कल 12 बजे तक का समय दिया है कि हमको कार्रवाई चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद धरातल पर उतर के आंदोलन भी करेगा और धरना भी देगा और पूरे प्रदेश में धरना और आंदोलन की स्थिति बना देगा अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की। टीएफसी रेस्टोरेंट हैं, इसमें विश्व हिंदू परिषद पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि साहब कार्रवाई कुछ की गई है,
इसमें फिर इनके द्वारा थाने पे आके एक आवेदन भी दिया गया है कि कुछ कपल मिलने साहब जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, उस आवेदन पे जांच करके उस होटल संचालक के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी।